Hey guys, welcome back to our YouTube channel. It's your girl Fanny Lungu, back with another reaction video. If you're new to this channel, make sure to give this video a thumbs up, share it with your friends, and of course do not forget to subscribe. Big shout out to the person that suggested this. So today I'm going to be reacting to From Creation to Creator Allah. So without wasting time, let's get into the video. इस वक्त मेरे भाइयों, इस हमारे मिरेकल प्लैनेट जमीन के ऊपर अर्थ पे 2 मिलियन स्पीशीज दरियाफ्त हो चुकी हैं, नबातात और हैवानात की, यानी पौधों और जानवरों की मिलाकर 20 लाख स्पीशीज, यानी 20 लाख टोटल मखलूक की तादाद नहीं है, उन स्पीशीज में से सिर्फ इंसान एक स्पीशीज है और इंसान ही 7 अरब के करीब तो है दुनिया में। इस तरह गिनना शुरू करते हैं, इंसान, घोड़ा, कव्वा, चील, मुर्गी, खच्चर, यूं आप गिनते चले जाएं। इंसान के अलावा जितने भी इस रूए अर्ज पे आबाद हैं चीजें, चाहे वो जानवरों में से हों, चाहे वो नबातात पौधों में से हों, तो इनकी स्पीशीज 20 लाख हैं और ये अभी वो हैं जो दरियाफ्त हुई हैं। और साइंटिस्ट हमें बताते हैं कि 1 स्क्वायर इंच भी इस जमीन का ऐसा नहीं जहां पे कोई लिविंग थिंग ना हो। 1 स्क्वायर इंच यानी इंच बाय इंच का जो डब्बा है ना, इतनी जगह भी ऐसी नहीं है जो खाली हो किसी जिंदा मखलूक से। आप ये कहेंगे हवा में कुछ नहीं नजर आ रहा, जनाब ना नजर आने वाली मखलूक है जो खुर्दबीन से आपको नजर आ जाती है। इवन खुर्दबीन के जरिए अगर हम अपने जिस्म पे देखें ना, तो ये बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया नजर आएंगे जो हमारे जिस्म से खुराक हासिल कर रहे हैं, लेकिन अभी देखने में तो नहीं वो नजर आते, बहुत छोटे। 1 स्क्वायर इंच भी ऐसा नहीं है जहां कोई लिविंग थिंग ना हो। तो स्पीशीज की तादाद फिर एक एक स्पीशीज की किस लेवल तक होगी। सिर्फ इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े जमीन पे इतने हैं कि जमीन पे बसने वाले हर इंसान को अगर 20 करोड़ कीड़े दे दिए जाएं, यहां 100+ लोग बैठे हुए हैं, आप में से हर एक को मैं कहूं कि 20 करोड़ आपके 20 यानी 200 मिलियन, 200 मिलियन हर बंदे को मैं कीड़े अलॉट करना शुरू करूं और 7 अरब इंसानों को अलॉट कर दूं, तो इससे ज्यादा इंसेक्ट्स हैं सिर्फ रूए अर्ज के ऊपर। ये कैलकुलेटर फेल हो जाएगा, आप जरा 200 मिलियन को मल्टीप्लाई करें 7 बिलियन के साथ। 1 बिलियन जो है ना, वो इतना बड़ा फिगर है कि अगर कोई शख्स 24 घंटे गिनती गिनता रहे, 25 से 30 साल चाहिए 1 अरब गिनती गिनने के लिए। जाहिर है दिन रात में 86,400 सेकंड है, हर सेकंड में भी एक दफा गिने तब भी आप 1 लाख तो पूरा नहीं करेंगे और बाकी काम भी बीच में करने हैं, वो सब कुछ भी छोड़ दें तब भी आपको इतना टाइम चाहिए। रोजाना 1 लाख दफा भी गिनती आप गिन लें तो कई साल चाहिए 1 अरब पूरा करने के लिए। तो ये 7 अरब इंसान और हर इंसान को 20 करोड़ 200 मिलियन कीड़े, आप जरा ये कैलकुलेट करें। और ये तो इनकी तादाद है, अभी तो हम ये डिस्कस ही नहीं कर रहे मेरे भाई कि एक एक स्पीशीज के अंदर अल्लाह ताला ने जो क्वालिटीज रखी हुई है वो क्या है। मैं अक्सर मिसाल देता हूं ड्रैगन फ्लाई की, इंसान को तो छोड़ दें बहुत कंप्लेक्स है, ये जो हेलीकॉप्टर हम जिसे कहते हैं, एक छोटा सा आप समझ लें कीड़ा है हवा में उड़ने वाला, उसके एक ढेले के अंदर 25,000 आंखें हैं और आप देख लें वो जिस अंडे से निकलता है ना, वो बाल पॉइंट के नुक्ते जितना अंडा है। जमीनों आसमान की मखलूकात मिलके कोई अंडा ऐसा नहीं बना सकती जिसमें से ड्रैगन फ्लाई निकल आए। मुर्गियां जो अंडे देती हैं, कबूतर जो अंडे देते हैं, उनमें से उनके चूजे निकलना वो तो अनइमेजिनेबल है, वो तो कुछ सोच नहीं सकता। जमीन व आसमान की सारी मखलूकात मिलके एक बीज ऐसा नहीं बना सकती जिसको जमीन में बोया जाए और वो 6 अरब गुना बड़ा दरख्त बन जाए। तो जो काम करने से नहीं हो सकता वो खुद ब खुद कैसे हो सकता है। और इस क्रिएशन का क्लाइमेक्स इंसान है, इंसान पे ही बात की जाए ना तो 1 घंटा चाहिए इंसान को, जो अल्लाह ने क्वालिटीज दी हैं जिसका उसे खुद भी नहीं पता। अच्छा मुझे बताएं, जिन क्वालिटीज का हमें खुद ही नहीं पता कि हैं हमारे अंदर,
तो कितना कोई बेवकूफ होगा कि वो कहे कि ये क्वालिटीज मैंने खुद अपने अंदर रख ली हैं या मेरे माँ बाप ने रखी हैं। हमारे तो माँ बाप को भी नहीं पता उन चीजों का, आज जो हमें साइंस बता रही है। 1,00,000 दफा रोजाना हमारा दिल धड़कता है, 1,00,000 दफा बगैर किसी पंप के, बगैर किसी एक्सटर्नल फ्यूल के, 1,00,000 दफा, 1,00,000 दफा। अच्छा, और 1,00,000 दफा धड़कने के बाद वो 10,000 लीटर खून पंप करता है हमारी नसों में, हर बंदे के। एक इंसान के जिस्म में जो नसों की लेंथ है ना, ये आपकी जो नर्व्स हैं, खून की नालियां, इसकी लेंथ इतनी ज्यादा है कि एक बंदे की अगर सिर्फ नसें जोड़ी जाएं तो जमीन के 2.5 चक्कर लग सकते हैं। 40,000 किलोमीटर जमीन का सरकमफ्रेंस है, 1,00,000 किलोमीटर 2.5 चक्कर जमीन के लग सकते हैं। उन सारी नसों में खून का पहुंचना और वो खून अपने अंदर ऑक्सीजन लेकर जाए, एक एक खुलिए तक पहुंचना, और खुलिए की तादाद सैकड़ों में, हजारों में, लाखों में, करोड़ों में, अरबों में नहीं है, 100 ट्रिलियन सेल्स हर इंसान के अंदर मौजूद है। 1,000,000,000,000 अरब के बराबर है, 1,000 बिलियन के बराबर, और 1 अरब मैंने आपको बता दिया कितना बड़ा है। तो 100,000 100,000 अरब हर बंदे के जिस्म में खुली हैं। तो साइंटिस्ट कहते हैं ये तो आप साफ कर ही नहीं सकते, आपको बस मुख्तसर बता देते हैं कि इंग्लैंड जैसे 30 मुल्क हों और उन 30 मुल्कों में सिर्फ दरख्त ही उगे हुए हों और उन दरख्तों के जितने पत्ते होंगे ना उतने एक जिस्म में खुली हैं। और खुलिए ये ना समझे कि वो ऐसी कोई चीज है, एक खुलिए के अंदर इतने सिस्टम है कि न्यूयॉर्क सिटी जितनी जगह चाहिए अगर हम एक खुलिया हमें बनाना पड़ जाए जो कुछ उसके अंदर सिस्टम्स मौजूद है। सोच नहीं सकता, बस इंसान फिर यही कह सकता है अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुभानल्लाह बुकरतन व असीला। अभी एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में जाए तो बंदा पागल हो जाता है। आज तो हमें टेलीस्कोप के जरिए क्या कुछ पता चल चुका है, नासा की रिपोर्ट्स तो आए दिन डिस्प्ले होती रहती हैं, इस पर मेरी वीडियोस भी आती रहती हैं। इस वक्त नासा ने जो डिस्कवरी की है ना उसके तहत 250 बिलियन गैलेक्सीज हैं इस कायनात के अंदर, 250 अरब, और अरब मैंने आपको बता दिया कितना बड़ा फिगर है। हर गैलेक्सी में 300 अरब से ज्यादा सूरज हैं, उनमें से एक सूरज ये है। इस तरह के 300 अरब सूरज सिर्फ हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में है और ये एक गैलेक्सी है, और इस तरह की 250 अरब गैलेक्सीज और हैं। और ये साइंटिस्ट कहते हैं इतना बड़ा फिगर है कि दुनिया में जितने समुंदर हैं उनके किनारे पर रेत के जर्रों की तादाद है ना, उससे ज्यादा स्टार्स और प्लैनेट्स इस कायनात के अंदर है, तो कैलकुलेट ही नहीं कर सकता। और ये वो चीज है जो उन्होंने कैलकुलेट किया। लोग कहते हैं उन्होंने गिने कैसे होंगे, वो एक थोड़ा सा एरिया कंसिडर करते हैं उसके बाद ओवरऑल लेके उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी अगर मैं आपको बता दूं कि बास्केट का साइज इतना है, इसमें इतने अंडे आते हैं, तो ये हमारा हाल जो है इसमें कितने अंडे आएंगे, तो आप कहेंगे जी इस हाल का साइज बताएं, उसे मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेते हैं। वो ये नहीं होता कि वो एक एक करके गिनते हैं, वरना तो उनको भी लाखों साल चाहिए गिनने के लिए, ओवरऑल कैलकुलेशन वो कर लेते हैं। तो ये एक अलग से टॉपिक है बहुत बड़ा। इस टॉपिक के ऊपर मेरी यूट्यूब के ऊपर कई एक वीडियोस हैं, उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट मेरी वीडियो आज से ऑलमोस्ट 12 साल पहले रिकॉर्ड हुई थी 2008 के अंदर, हु इज अल्लाह, अल्लाह कौन है, जदीद साइंसी हकायक की रोशनी में। उसके बाद फिर एक और वीडियो मेरी रिकॉर्ड हुई आज से ऑलमोस्ट 7 साल पहले, मसला नंबर 83B के उन्वान से, हु क्रिएटेड गॉड, अल्लाह को किसने पैदा किया और जदीद शैतानी वसवसों का तहकीकी जायजा, जिसमें मैंने दौरे हाजिर के एक बहुत बड़े लीडिंग एथियस्ट प्रोफेसर रिचर्ड डॉकिंस की किताब है द गॉड डिल्यूजन, उसका मैंने इल्मी मुहासबा किया था, वो देखने वाली वीडियो है। मसला 83B, आप हु क्रिएटेड गॉड, अल्लाह को किसने पैदा किया, इस तरह के अल्फाज देखें तो वो वीडियो आपके सामने YouTube पे आ जाएगी। फिर ऑलमोस्ट आज से 2 साल पहले मैंने कुरान एंड मॉडर्न साइंस के नाम से एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी, वो इंग्लिश सबटाइटल के साथ भी आ चुकी है, ऑलमोस्ट 1.25 घंटे की। उसमें एक हिंदू भाई ने कुरान हकीम पे एक एतराज किया था, तो उसके जवाब में मैंने पूरी डॉक्ट्रिन क्लियर की थी
कि कुरान हकीम में जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं उनको आपने किस हवाले से लेना है। कुरान जो है ये लिटरेचर की बुक है, ये साइंस की किताब नहीं है। अलबत्ता फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर पे बात करती है, तो इसको लिटरेचर की जुबान में लेना होगा। और इस हवाले से जो मुख्तलिफ चीजें सामने आती हैं गैर मुस्लिमों के एतराजात, उसमें मैंने ओवरऑल डॉक्ट्रिन कवर की थी। फिर ऑलमोस्ट 8 से 10 साल पहले एक फितना उठा था, ये क्या जमीन साकिन है, उसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो दी थी। उसमें मैंने कई एक साइंटिफिक फैक्ट्स के हवाले से डिस्कशन की थी। मेरे ख्याल है इतनी डेप्थ तो किसी और ने गुफ्तगू, डॉक्टर जाकिर नायक का तो एक आध लेक्चर है, वो भी बिल्कुल सतही किस्म की गुफ्तगू है, जो बिल्कुल क्रिटिकली चीज़ों को एक एक इशू को रिजॉल्व करना, ये नसीब वालों का हिस्सा है। अल्लाह ताला जिसको इस काम के लिए उठाए। तो मैंने यानी हर एतबार से कई एक वीडियोज मेरी रिकॉर्डेड है, उसके लिए बड़ा, फिर ब्लैक होल की डिस्कवरी हुई 8 से 2 साल पहले, उस पर मेरी एक वीडियो आई थी। तो आप YouTube पे जाके साइंस और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा लिख दें तो वो सारी वीडियोस हैशटैग के साथ आपके सामने आ जाएंगी। एक एक करके देखना शुरू करें। अब मैं वो सारी बातें, ये तो मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है, मैं एक घंटा और फिलबदी इन फैक्ट्स पे बोल सकता हूँ, लेकिन अब ऑलमोस्ट आधा घंटा पीछे बाकी रह गया, तो मैंने ये आयात भी मुकम्मल करनी है। मैंने ओवरऑल एक इस हवाले से आपको बताया कि कोई छोटी चीज नहीं जो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि आसमान और जमीन की पैदाइश में और रात और दिन के आने जाने में। अब ये रात और दिन का आना जाना ये कोई छोटा मामला है? आज तो मतलब साइंस की वजह से हमें जो चीजें पता है, हमसे पहले तो लोगों को पता ही नहीं थी, उनका तो ईमान बिल गैब था जिन बातों पर, हमें तो वो चीजें सामने नजर आ रही है। 3 बड़ी बड़ी मोशंस जो डिस्कवर हुई है ना जमीन की, उनमें से पहली मोशन यह है कि जमीन हर सेकंड में आधा किलोमीटर अपने महवर के गिर्द घूमती है, 1 सेकंड में आधा किलोमीटर, जिसकी वजह से 24 घंटे में हमारा दिन रात मुकम्मल होता है। मैं इक्वेटर की बात कर रहा हूं, उसके इर्द गिर्द, मैं नॉर्थ और साउथ पोल की बात नहीं कर रहा, वहां तो सूरज विद रिस्पेक्ट टू जमीन जो है उफक के साथ चल रहा होता है, वो अलग मामला होता है, वो फिर आपको पूरी साइंस समझानी पड़ेगी, एक आम डिस्कशन में बात कर रहा हूं। दूसरी मोशन है जमीन की 1 सेकंड के अंदर, ये तो होगी ना आधा किलोमीटर, वो है 1 सेकंड के अंदर 30 किलोमीटर सूरज के गिर्द। और ये इस रफ्तार को कोई सोच सकता है 1 सेकंड में 30 किलोमीटर? ये गोली की रफ्तार से 60 गुना ज्यादा रफ्तार है ये 1 सेकंड में 30 किलोमीटर। गोली 1 सेकंड में आधा किलोमीटर तय कर सकती है और जमीन 1 सेकंड के अंदर सूरज के गिर्द 30 किलोमीटर, जिसकी वजह से 365 दिनों में हमारा साल मुकम्मल होता है। और ये दो तो फिर भी थोड़ा बहुत बंदा दिमाग में सोच सकता है, जो तीसरी मोशन है ना वो जमीन और पूरा हमारा ये सोलर सिस्टम समेत हमारे सूरज के 1 सेकंड में 200 किलोमीटर की रफ्तार से एक स्टार वेगा है उसकी तरह पिछले 15 अरब साल से ट्रेवल कर रहे हैं। जरा आप जरा लेंथ देख लें, इसीलिए जो कायनात के फासले हैं वो लाइट ईयर्स में मापे जाते हैं, वहां तो आपके सब कुछ फेल हो जाता है, यानी रोशनी 1 साल में जितना फासला तय करती है ना, इसे कहते हैं लाइट ईयर। और रोशनी जनाब घोड़े की रफ्तार से, बोइंग की रफ्तार से, मिसाइल की रफ्तार से नहीं चलती, रोशनी की रफ्तार है 3,00,000 किलोमीटर 1 सेकंड में। 1 सेकंड में रोशनी जमीन के 7 चक्कर काट सकती है, 3,00,000 किलोमीटर या 1,86,000 मील, क्योंकि जमीन का सरकमफेरेंस 40,000 किलोमीटर है, तो 7 चक्कर काटे जमीन के 1 सेकंड में रोशनी, 1 सेकंड में 7 चक्कर जमीन पूरी के काट ले और ये साल तक ट्रेवल करती रहे तो 1 लाइट ईयर है। तो 1 लाइट ईयर जो है वो कैलकुलेशन करते हुए कैलकुलेटर फेल हो जाता है, ये तो अल्लाह ही अल्लाह है। आप मुझे बताएं, जिस अल्लाह का तारुफ ये है तो बाबे किधर आ जाए बीच में? बाबों को तो ये जब हम बातें बताएं ना तो वो हमारी वीडियो देख के बयान भी नहीं कर सकते, तो कहते हैं जी वो बाबे कहते हैं मैं गुस्सा है, मैं जमीन आसमान जमीन से सुट दिया ना, तेन आसमान दे साइज़ दा पता ना जमीन दा, कहानियां तू बना फिर पता ही किसी चीज का नहीं।
आज जिस तरह खुदा उभरा है वो अलामा वहीदुद्दीन खान साहब है इंडिया के, 95 ईयर्स उनकी एज ऑलमोस्ट, उन्होंने किताब लिखी है द गॉड अराइजेस, खुदा उभरता है। खुदा जिस तरह उभरा है ना जी इस लेटेस्ट वर्ल्ड के अंदर साइंटिफिक फिनोमेना की डिस्कवरी के बाद, अभी तो आप स्ट्रक्चर ऑफ जीन के ऊपर डिस्कशन करना शुरू करें, ये जीन्स क्या बुलाएं हैं और इंसान और नबातात और हैवानात की रिप्रोडक्शन का क्या सिलसिला है, ये तो अनबिलीवेबल डाटा है, कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। और ये इतना मैनेजेबल है कि साइंटिस्ट हमें कहते हैं कि ये सारी की सारी चीजें इतनी फाइन ट्यून है कि अगर एक बाल पॉइंट अपनी नोक पे खड़ा किया जाए तो खड़े नहीं हो सकता, कितना बैलेंस आप मर्जी कर लें। एक अरब साल तक अगर वो अपनी नोक पे खड़ा रहे, इससे ज्यादा बैलेंस इस कायनात के अंदर है, और वो जरा सा भी डिस्टर्ब हो जाए तो ये कायनात तबाह हो जाए। ये तो बहुत कुछ इसमें बयान किया जा सकता है लेकिन मैं उसको स्किप करता हूं, बाकी अल्लाह से हम उम्मीद करते हैं कि ये अल्लाह करे। पिछला कुरान तो हमारा 344 लेक्चर्स में मुकम्मल हुआ था 9 सालों के अंदर, तो इस दफा तो लग रहा है शायद ये कोई 400 लेक्चर्स बन जाए या 450, लेकिन कोशिश मैं ये कर रहा हूं कि इन डेप्थ गुफ्तगू की जाए, कोई तशनगी किसी की बाकी ना रहे कि इस आयत में ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो इससे रिलेटेड थी, वो ब्रीफ करना जरूरी थी। बाकी तो कुरान की तफसीर पिछले 1400 साल में सैकड़ों लिखी गई, हमारे बाद भी लोग बयान करेंगे, ये किताब कभी पुरानी नहीं होगी। हर आने वाला दौर कुरान हकीम की नई नई चीज़ें लोगों के सामने आश्कार कर रहा है, ये तो एक ना ख़त्म होने वाला मामला है। ये अल्लाह की किताब है, कोई इंसान की लिखी हुई किताब नहीं है। और ये याद रखिएगा, इल्हामी किताबें कभी पुरानी नहीं होती क्योंकि ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट से डील करती हैं। बाकी आप कोई भी किताबें देखें, कुछ अरसे बाद नई थ्योरी आ जाएगी, नई डिस्कवरीज आ जाएंगी, वो चीज़ें नई नई जो है वो इन्वेंशंस आ जाती हैं, पुरानी एब्सोल्यूट हो जाती हैं। आप देख लें, हमने तो अपनी ज़िंदगी में कई चीज़ें एब्सोल्यूट होते देखी हैं। ये जो लैंडलाइन फ़ोन है, पूरे मोहल्ले में एक फ़ोन होता था, आज आपको पूरे शहर में भी एक फ़ोन ही नज़र आएगा मोबाइल फ़ोन के बाद। लेकिन इल्हामी किताबें पुरानी इसलिए नहीं होती कि 8 से 10 हजार साल पहले के इंसान की भी ह्यूमन इंस्टिंक्ट वही थी जो आज है और जो क्यामत तक है, जो अल्लाह ने हमारी जिबिलत में रखी है। बी बच्चे, माँ बाप, ये मुआशरा, इसके साथ किस तरह डील करना है और इस सिस्टम में रहते हुए अल्लाह को कैसे राजी करना है, ये इश्यूज हमेशा इसी तरीके से रहेंगे। इसलिए इल्हामी किताबें कभी पुरानी नहीं होती, और देखें आज भी आप किताब पढ़ते हैं तो लगता है आज की बात हो रही है। سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين جزاكم الله خيرا। My camera actually went off. I hope it doesn't disturb anything. I'm trying to figure out what I want to speak on because this is new for me. I love how calm he was while he spoke about what he spoke about, throwing in jokes here and there, but the humor is just to make sure people have stayed still there with him. Because this video actually spoke about the world, the creations, the different amount, number of creations that actually exist. So I'm trying to think, is this guy trying to talk about, of course he is talking about the creations and relating it to religion, but is this what he actually talks about, or is he trying to show proof that what's in the holy books can actually be proved by science? Can please the person that suggested this, please bear with me and answer me if this is what the guy is all about, which is actually nice. It's always nice to have proof. If you can have religion and science agree, then that's fine. I'm just out here wondering. What really caught my attention is because he speaks about a lot of things. I would love to pick the last part where he talks about how things keep changing, but the book, the holy book, never changes. That's something that should sit with us. Don't just throw it aside. Look at, he gave an example of our phones. From landlines, we've now got personal phones. You're barely finding a landline anywhere, and if you find one, it's barely. It's for official use, not from friend to friend or house to house. It's very, very, even if you find something in a house, it's more modern.
but in future what's going to happen? Now we have this virtual world, so does it mean we're going to do away with all these things that we've accustomed ourselves with or have made ourselves familiar with? So let me know what you guys actually think. This was amazing, something new, a new person to actually react to, and thank you to the person that suggested this. Please motivate me or motivate us by actually suggesting stuff to react to, because sometimes we're blank, we don't know what to react to. So please be kind enough to drop a name and a link to something that you want us to react to. We'll be more than glad to react to it. I'm very, very grateful for this and the person that suggested this. Thank you. I hope you're doing all right. Feel free to suggest more down, and I mean, I can't wait to react to more of these guys' videos that you guys suggest. Make sure to give this video a thumbs up, share it with your friends, and of course, do not forget to subscribe, and I'll see you in my next reaction video.